अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू टू माय चैनल मॉक्स अगेन सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आप लोगों के साथ लेकर आए हैं एक बहुत ही कम खर्च और बाला नशी रेसिपी लेकर, और कम खर्च और बाला नशी होने के साथ साथ ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी भी है, और ये है बहुत ही इजी क्विक पोटैटो रेसिपी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करने के बाद जो है हमने इसे अच्छी तरह पानी से धोया है ग्रेट करने के बाद, और फिर हमने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। इसके बाद हम इसमें बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बहुत ही बारीक काटा है। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अब हम इसमें आटा डाल देंगे, क्रश चिली, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काली मिर्च, अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे जो है हमें इसमें अंडा कम लग रहा था क्योंकि इसका ज़रा सा पेस्ट टाइप नहीं बना था, तो अब हम इसमें एक अंडा और डाल देंगे। और यहाँ पे जो है हमने सिर्फ अपने पैन को ग्रीसी किया है, अब हम इसके ऊपर अपना पेस्ट डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसे थोड़ी सी गोल शेप दें। अब जो है हमने इसे टर्न कर लिया है, अब हम इसे दूसरी तरफ से ही पका लेंगे, और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे हम इसे। और इसे जो है आप चाहें तो इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं स्कूल के लिए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्विक रेसिपी है। ये वाला जो है हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है, तो अब जो है हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। और जो बाकी दो हमने डाल दिए थे क्योंकि पैन में और भी हमारे पास जगह थी, तो हमने वो दो भी डाल दिए थे, इसको जो है हम प्लेट पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत ही मज़ेदार इजी क्विक रेसिपी जो है हमारी पोटैटो की बनके तैयार हुई है, और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।